नमस्कार, आप देख रहे हैं MGB डिजिटल इंडिया और मैं आपके साथ ज्योति मिश्रा। आपको बता दें, बॉलीवुड की जानी मानी एक्ट्रेस स्वरा भास्कर अपने एक्टिंग, लुक्स और विवादों को लेकर हमेशा चर्चा में रहती हैं। उनकी सभी फिल्मों को लोग काफी पसंद भी करते हैं। बता दें, स्वरा अपनी आने वाली फिल्म मिसेस पलानी में नजर आने वाली हैं। बता दें, स्वरा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर इसकी जानकारी दी और कैप्शन में लिखा, नया साल नई शुरुआत और नया किरदार, मिस पलानी की शूटिंग शुरू। इस फिल्म की शूटिंग छत्तीसगढ़ से होगी। फिल्म के बारे में बात करते हुए स्वरा बताती हैं कि मिस पलानी हर घर की कहानी है, हर औरत की कहानी है। वहीं मनीष किशोर इस फिल्म को निर्देशित कर रहे हैं। फिल्म का निर्माण 3 एरो प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड के बैनर तले किया जा रहा है। फिल्म को लेकर स्वरा काफी एक्साइटेड नजर आ रही है। बता दें, इस फिल्म में औरतों के लिए एक अनोखा मैसेज भी है। इसके साथ ही स्वरा से जब पठान फिल्म में बेशरम रंग गाने पर उठे कपड़ों पर बवाल के बारे में उनकी राय मांगी गई, तो उन्होंने कहा कि अच्छा होगा अगर नेता एक्ट्रेस के कपड़ों को ना देखकर अपने काम पर ध्यान दे, जैसे हम दे रहे हैं। फिलहाल स्वरा अपनी शूट के लिए छत्तीसगढ़ पहुंच चुकी हैं। उनका कहना है कि फिल्म की शूटिंग के लिए जिस तरह का व्यू उन्हें चाहिए, जो पूरे हिंदुस्तान की खूबसूरती को उजागर करे, वो सब छत्तीसगढ़ में मौजूद है। साथ ही यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा है। फिलहाल तो ये देखना दिलचस्प होगा कि स्वरा का अलग अलग किरदार लोगों को कितना पसंद आने वाला है, क्योंकि एक एक्टर या एक्ट्रेस को अक्सर दोहरे या तीन रोल निभाते देखा जा सकता है, लेकिन ऐसा पहली बार है जब स्वरा एक ही फिल्म में 9 अलग अलग किरदार निभाएंगी। फैंस को उनकी इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार है, साथ ही स्वरा को भी। फिलहाल आज की इस खबर में इतना ही। देश विदेश की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए MGB डिजिटल इंडिया। धन्यवाद।